पुलिस लाइन सभागार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को उत्तरी क्षेत्र के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों तथा शाखा प्रभारियों की बैठक आयोजित कर अपराध की समीक्षा की गई। इस दौरान SSP डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के लिए निर्देश दिए। इस दौरान SSP ने लापरवाह थाना अध्यक्षों को फटकार लगाते हुए चेतावनी दी। SSP ने समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि वह लंबित गैर जमानती वारंट का 100% तामीला कराना सुनिश्चित करें। समस्त थाना प्रभारियों व चौकी प्रभारी को निर्देशित किया कि अपने अपने क्षेत्र में महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित वाले घटनाओं पर सतर्क दृष्टि रखते हुए त्वरित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। सभी थाना प्रभारी व चौकी प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर पूर्व में बनाए गए नाका पॉइंट पर पर्याप्त पुलिस बल लगाकर प्रभावी ढंग से कार्रवाई कराएं। किसी भी दशा में अवैध शराब का निष्कर्षण एवं बिक्री किसी भी थाना क्षेत्र में नहीं मानी होनी चाहिए। यदि मेरे द्वारा जनपद मुख्यालय से टीम भेजकर यह पाया गया कि किसी थाना क्षेत्र में अवैध शराब का निष्कर्षण अथवा बिक्री हो रही है तो संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने कहा, उनका पिछला टारगेट था 100, अभी आप 112 पे हैं, टारगेट पे नहीं आए हैं, आए केंद्र में? हाँ सर, आ जाएंगे। पिछला टारगेट आपने 100 दिया था, पीपीगंज ने 90 दिया था, पीपीगंज कहाँ पर पहुंच गया? 157 पर। वेरी बैड। हाँ पीपीगंज सर, बहुत गलत बात है। तो आप पिछली मीटिंग में थे कि पिछले वाले थानेदार थे? मीटिंग में थे सर। हाँ तो सर, ये मेरे पास कागज है। जी सर। अपने काम के लिए इसमें मतलब नए लोग हर दिन निशान हो रहा है। नौ नए नहीं होते हैं भाई, कहीं से बात नहीं आएगी। आप सोचिए, ट्रेंड लोग मिलेंगे, ट्रेनिंग भी थाने वाले नहीं करनी है, लाइन में कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, ऑन जॉब ही ट्रेनिंग होती है, बाकी मैच में यू भर्ती होती है, अगले दिन से लेकर पास खड़ा होता है। करने हैं आप नहीं काम लेना हमसे, मुझे कह दीजिए सर, नहीं मुझे तो आप ही से काम लेना है। वेरी गुड, धन्यवाद। क्या बात है, आपका टारगेट 250 था तो आप 370 कैसे पहुंच गए? वो सर 700 इंस्पेक्टर हमारे को इनको भी दिया जाए चेतावनी कि क्राइम मीटिंग में जो नोट लिख करके जा रहा है उसको आप लोग अपने भेजे में उतारिए। 50 बार बोला जा रहा है, आप लोग तूफान आया वहां पर, 2 महीने हो गए। और आप लोग लिखाते हैं, मैं नहीं लिखता हूं, मैं बार बार बोलता हूं जो सहूलियत है वो लिखाइए, तो तैयार रहिएगा। और ये मत समझिए कि आप बढ़ जाएंगे, लाइन में चले जाएंगे, गैर जनपद ट्रांसफर हो जाएंगे, उसके बाद ACR आएगी। ये कागज मेरे साथ चलता है, एक ही पेज है मेरे पास, जो मेरे पास परफॉर्मेंस के जो HR के कागज है। चिल्वा ताल आप 175 बोला गया था आपकी तरफ से, समीक्षा बैठक में पूरे ज़िले की ना करके, चूंकि ज़िला बड़ा है, थानों की संख्या अधिक है, इसलिए हम जो जोनल सिटी लेवल पर है वो बैठक हम करते हैं। हमारा गोरखपुर 3 हिस्सों में बटा है, नॉर्थ, सिटी और साउथ। तो आज नॉर्थ जोन की बैठक थी और उसमें दोनों सर्कल्स और उनके सभी थानों की बैठकें ली गई और उनकी अपराध की समीक्षा खास तौर से की गई कि पेंडेंसी क्या है, कैसे वो जनता से व्यवहार कर रहे हैं, IGRS में क्या पेंडेंसी है, जो हमारे मुख्यमंत्री संदर्भ जो आते हैं उसमें किस तरह से काम कर रहे हैं, आम आदमी के प्रति क्या संवेदनशीलता है, उसमें कैसे सुधार लाया जाए, ज़मीनी स्तर पर जो कांस्टेबल हैं, संतरी है, मुंशी हैं, उनका व्यवहार कैसे सुधरेगी आम आदमी के साथ, जो है उसको वो रियायत पा सके और लोगों को भरोसा बढ़ सके कि पुलिस उनके साथ है। और इसी के साथ साथ जो है बहुत सारे जो स्पेशल अभियान चलाए गए हैं, बालिका सुरक्षा अभियान आपको पता है, एंटी रोमियो अभियान चल रहे हैं, शराब के खिलाफ जो हमारी कार्रवाइयाँ लगातार जारी हैं, तो जो प्राथमिकताएँ हैं कानून की और सरकार की, उनके बारे में डिस्कशन करके, उसकी समीक्षा करके, कुछ थानेदारों को डांट भी पड़ी, कुछ को खिंचाई भी हुई, कुछ का काम ठीक भी रहा। तो एक तरह से इसको करना बहुत ज़रूरी होता है
और ये हर हफ्ते एक तरह से मीटिंग होती रहती है हम लोग की किसी ना किसी विषय में, लेकिन एक तरह से जो मासिक अपराध समीक्षा है वो पूरी तरह से डिटेल में होती है। उसमें पूरी टीम बैठ करके हम लोग कोशिश करते हैं कि और अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस लाया जाए।